मुसलमानों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुत्री के शपथ ग्रहण समारोह का विरोध कर रहा है ऐसे नेता पर फर्ज क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा। इसलिए निकाला है कि जो पिछले दिनों 9 तारीख को जो फर्जी तरीके से जो छात्र संघ जो जीता गया था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो फर्जी था, उसके बावजूद हाई कोर्ट का आदेश भी आया था कि जब तक जांच नहीं होती है तब तक उन लोगों को ये शपथ ग्रहण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के संघी वीसी और नीतीश कुमार के इशारे पर, आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर वहाँ के संघी वीसी द्वारा छात्र संघ का शपथ ग्रहण कराया गया। इसका विरोध वहाँ के आम छात्र और छात्र संगठन आईसा के लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ की नीतीश सरकार जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे के तहत काम कर रही है, उनके आंदोलनों पर लाठीचार्ज कर रहा है। हम इस लाठीचार्ज की निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि जो जिन्होंने लाठीचार्ज कराया है उसको बर्खास्त किया जाए, और ये जो फर्जी तरीके से जो छात्र संघ का शपथ ग्रहण हो रहा है उसको, इस छात्र संघ चुनाव को रद्द करके पुनः छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, और ये हमारा मांग है। रंजन कुमार।